नमस्कार दोस्तों, फोर डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ पत्ता गोभी और मसूर दाल से बने बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी शेयर करूँगी। एक बार आप मेरे तरीके से रेसिपी को बना के ज़रूर देखिएगा, उम्मीद करती हूँ पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते रेसिपी और आज के लाइक का गुण लगते 1000। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पर आधा किलो पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को देखिए इस तरीके से हम मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे, बहुत ज़्यादा पतले हम चॉप नहीं करेंगे। पत्ता गोभी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। और यहाँ पे चाहिए हमें एक कप मसूर दाल। दाल को अच्छे से साफ पानी से 3-4 बार धोएंगे और उसके बाद 10 मिनट पहले भिगो के रखेंगे। तो दाल को हम अच्छे से धो के भिगो देंगे और पत्ता गोभी में हम डालेंगे आधा चम्मच नमक और 3 से 4 पिंच हम डालेंगे हल्दी। देखिए अच्छे से हम मिक्स करेंगे और 5 मिनट हम रेस्ट पे रखेंगे। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनके तैयार होगा। रोटी चावल किसी के साथ भी आप इसे खा सकते हो, तो एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। तो देखिए मैंने नमक और हल्दी अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम 5 मिनट रेस्ट पे रखेंगे, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की ओर जाएंगे। 5 मिनट हो गए और देखिए पत्ता गोभी में से कितना एक्स्ट्रा पानी निकले है। अच्छे से हम टाइट हाथों से दबाते हुए एक दूसरे प्लेट में रखते जाएंगे पत्ता गोभी को। जितने टाइट हाथों से आप दबा सको उतने टाइट हाथों से आप दबा लीजिएगा पत्ता गोभी को। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी और पानी को पहले हम फेंक देंगे। अब हम पैन में डाल लेंगे 1/4 कप तेल। तेल जैसे गर्म हो जाए हम डालेंगे एक तेज़पत्ते को 2 टुकड़ा करके, 2 सूखी लाल मिर्च, साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच 5 फोड़न। अगर आपके पास 5 फोड़न ना हो तब आप यहाँ पे जीरा डाल सकते हो, साबुत जीरा। साथ ही हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। 10 से 12 लहसुन को बारीक चॉप कर लिया है, डाल देंगे हम। प्याज और लहसुन को हम फ्राई कर लेंगे कलर चेंज हो जाने तक। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो आप लहसुन के बिना ही इस रेसिपी को बना सकते हो, तब भी खाने में टेस्टी बनेगा। तो गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है और प्याज को फ्राई कर लेंगे कलर चेंज हो जाने तक। प्याज जैसे ही हमारा फ्राई हो जाए हम डालेंगे आधा चम्मच हींग। डाल देंगे हम यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, और साथ ही हम डालेंगे कुछ ड्राई मसाले। डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर। गैस का फ्लेम बिल्कुल अभी हम लो पे रखेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1/2 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे हल्दी। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। थोड़ा सा हम पानी डाल के 3 से 4 मिनट टमाटर के हल्का सॉफ्ट हो जाने तक मसाले को भून लेंगे। डालेंगे हम 1/2 कप मटर, लेकिन मटर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको ना डालना हो तो आप स्किप कर सकते हो। 3 से 4 मिनट मैंने मसाला डाल के अच्छे से भून लिया है। मसाले अच्छे से भून चुका है, आप देख सकते हो साइड से तेल अलग दिख रहे हैं और टमाटर भी हल्का सॉफ्ट हो गया है। पूरी तरीके से सॉफ्ट नहीं करना है, जब तक सब्जी हमारा बनेगा टमाटर पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा। दाल को 15 मिनट भिगो के रखने के बाद मैंने एक छन्नी में छान लिया है। साथ ही हम डाल देंगे पत्ता गोभी। पत्ता गोभी डालने के बाद एक बार अच्छे से मसाले के साथ हम मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रख के ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तब तक दाल और पत्ता गोभी मसाले के साथ अच्छे से भून जाएगा। फ्रेंड्स, एक बार आप मेरे तरीके से इस रेसिपी को बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा खाने में। तो देखिए अच्छे से मैंने पत्ता गोभी दाल को मिक्स कर लिया है मसाले के साथ। ढक देंगे 5 मिनट के लिए और बीच में खोल के आप एक बार स्पैचुला से चला भी लीजिएगा। 5-6 मिनट मैंने दाल और गोभी को अच्छे से भून लिया है। पत्ता गोभी में से जो एक्स्ट्रा पानी निकलते वो पूरी तरीके से हमारा ड्राई हो गया है, आप देख सकते हो। अब हम डाल देंगे यहाँ पे करीब 1 कप पानी। पानी हम उतना ही डालेंगे जितने में दाल और गोभी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और दाल को हमने भिगो के रखा था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दाल को सॉफ्ट होने में।
थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा है, तो मैं आधा कप पानी और डाल दूंगी। हम डालेंगे यहाँ पे आधा चम्मच गरम मसाला। एक बार हम मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम करके ढक के पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए, जब तक दाल हमारा पूरी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। तो पैन को कवर कर देंगे हम 10 से 12 मिनट के लिए, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। 10 से 12 मिनट हो गए और दाल गोभी हमारा अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है। हम लास्ट में डालेंगे 2 हरी मिर्च बीज में से चीरा लगा के, साथ ही हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। और डालूंगी मैं यहाँ पे 1 चम्मच देसी घी। घी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको ना पसंद हो तो आप स्किप कर सकते हो। धनिया पत्ते डालने के बाद अच्छे से हम मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम करके बस 2 मिनट के लिए मैं हल्का ड्राई कर लूँगी, लेकिन अगर आप चाहे तो इस तरीके से हल्का पतला रख सकते हो। अगर आपको चावल के साथ खाना है थोड़ा सा पतला रखिएगा, और रोटी के साथ खाना हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा गाढ़ा कर लीजिएगा। तो बस 2 मिनट के लिए मैं सब्जी को ड्राई कर लूँगी। 2 मिनट बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और तैयार हो गया है हमारा बहुत ही टेस्टी पत्ता गोभी और मसूर दाल की बनी रेसिपी। देख के जितना ज़्यादा आपको टेस्टी लग रहा है, ये खाने में आपको बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। बस आप मेरे कहने पे एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसा लगा बनाने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी बनाने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।